नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कर्क राशि वालों। दोस्तों अगले 7 दिनों के बीच आपको जीवन का सबसे बड़ा सदमा लगेगा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अगले 7 दिनों के अंदर जो आपके जीवन काल में घटनाएं होने वाली है, जी दोस्तों यश में जो परिवर्तन आपके जीवन काल में होने वाले हैं, यश में अगर आप वीडियो में बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए कार्य करेंगे तो दोस्तों आपका जीवन संवर जाएगा और आने वाला कल आपको बहुत ही शाबाशी देने वाली साबित होंगे। जय दोस्तों, अगर यश में आप इन बातों को नजरअंदाज करेंगे, यूं कहें तो नादानी करेंगे, तो दोस्तों यश में आप निखरने के जगह बिखर भी सकते हैं। तो दोस्तों अब ये आपके हाथ में है कि यश में आप कैसे कार्य करते हैं। जय दोस्तों, यश में ग्रहों की स्थिति बता दें तो ग्रहों की बहुत ही शुभ स्थिति है, शुभ योग का निर्माण है, बशर्ते आपको सावधानी रखने की जरूरत होगी। जय दोस्तों, इस वीडियो में आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, इन्हें आप बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये दोस्तों, इनमें आप जानेंगे कि यश में आपको कौन से क्षेत्रों को लेकर सावधान रहने होंगे, कौन कौन से कार्य अगले 7 दिनों में आपके लिए भाग्यशाली होंगे, किन किन क्षेत्रों में कार्य करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, कौन सी बातों को यश में आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता पड़ने वाली है, तो दोस्तों सब कुछ विस्तार से बात करेंगे, इसलिए आप इन्हें अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, जो भी भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिखेगा, गुरु जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा, तो मित्रों जरूर लिखेगा। और यदि आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो आए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों यशोमय कार्यों के प्रति पूर्ण रूप से सजग रहे, ये जो समय आपके लिए ग्रह स्थितियाँ आपके लिए बहुत ही अनुकूल है। अचानक ही किसी अनजान व्यक्ति से मुलाकात आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी। अगर वाहन लेने की संबंधी कोई भी योजना बना रहे हैं तो दोस्तों ये जो समय है आपके लिए अत्युत्तम समय होगा। इसको प्रांत दोस्तों यह समय अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों मन में कुछ नकारात्मक विचार भी उठ सकते हैं। अनुभवी लोगों के संपर्क में कुछ समय अवश्य व्यतीत करें अथवा एकांत में बैठकर आत्मचिंतन करें, यह भी आपके लिए बेहतर होंगे। और इसको प्रांत दोस्तों कोई कोटि संबंधी मामला उलझ सकता है। आपको बता दें कि किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए जो है फायदेमंद साबित होंगी, तो दोस्तों इन पर जरूर ध्यान दें। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि हर किसी काम में धीरे धीरे आगे बढ़ना आपके लिए ठीक रहेगा। सभी बात पर ध्यान देने के लिए आप अकेले ही रहेंगे, किसी और के द्वारा आपको मदद भी मिल पाना यश में मुश्किल हो सकता है, तो दोस्तों इस बात का भी ध्यान रहे, इसलिए गलतियां करने से बचें, ये आपके लिए यश में बेहतर होंगी। दोस्तों यश में आपको बता दें कि काम को आप धीरे धीरे ही बढ़ाएं और प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी निर्णय लेना यश में आपके लिए बेहतर नहीं होगा, तो यश में आप इन्हें टाल दें तो आपके लिए बेहतर होंगी। और दोस्तों इसके उपरांत यश में आपको बता दें कि आप अपनी चतुराई द्वारा किसी समस्या का समाधान पाने में भी सक्षम रहेंगे। जो दोस्तों काम पिछले काफी समय से रुके हुए या फिर अटके हुए थे, यश में आप अल्प प्रयास से ही पूरे करने की संभावना कर सकती हैं। दोस्तों आपको बता दें कि किसी रिश्तेदार द्वारा शुभ समाचार मिलने से आपको इसमें खुशी भी मिलने वाली है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों विद्यार्थी तथा युवा वर्ग अपनी पढ़ाई व फिर करियर के प्रति फोकस रहें, ये जो समय है आपके लिए फिजूल खर्ची में कटौती रखें, सोशल मीडिया तथा व्यर्थ की गतिविधियों में समय जो है नष्ट ना करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि परिस्थिति आपके पक्ष में होने के बावजूद भी बेवजह आपको उदासीनता का सामना भी इसमें करना पड़ सकता है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अपनी भावनाओं को काबू में रखने की कोशिश करनी होगी आपको। और दोस्तों यश में अधिकतर नकारात्मक विचार आपको तकलीफ भी दे सकते हैं, जिसका असर आपकी काम पर भी हो सकता है, इसलिए दोस्तों यश में काम के साथ साथ अपने स्वास्थ्य को इसमें आराम करने के लिए भी जरूर समय निकालें। दोस्तों आपको बता दें कि इस राशि के लोग संतुलित प्रवृत्ति के होते हैं और यश में यही गुण आपकी तरक्की में जो है सहायक होंगे। दोस्तों बहुत दिनों बाद घर में नजदीकी संबंधियों के आगमन से भी उत्साह भरा माहौल रहेगा। सभी सदस्य एक दूसरे के साथ मिलकर खुशी का महसूस भी करेंगे। और दोस्तों यश में कभी कभी बातचीत के दौरान आपके मुंह से कोई ऐसी भी बात निकल सकती है जो संबंधों के लिए नुकसानदायक रहेगी। दोस्तों इसमें आपको बता दें कि कई मामलों में धीरज और धैर्य भी रखना आपके लिए जरूरी होगा। गुस्से व फिर जल्दबाजी के बजाय आप यश में नरमी से काम लें, नहीं तो दोस्तों अपने काम को आप यश में बिगाड़ सकते हैं।
अशुभ प्रांत दोस्तों ये समय आपको बता दें कि आपके लिए कैसे समय होंगे दोस्तों। किसी भी विषय में अपनी माता के साथ बात बात करने से आप परहेज करें, क्योंकि दोस्तों जिस विषय के बारे में चर्चा हो रही है उसी बारे में हल तो नहीं मिलेगा, लेकिन दोस्तों भावनाओं तक तकलीफ का आपको सामना जरूर करना पड़ सकता है। भूतकाल से संबंधित बातें फिर से निकलने की वजह से रिश्ते में कटुता इसमें आने की संभावना बन रही है। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि आय का कोई महत्वपूर्ण स्रोत भी इसमें बनेगा, नई योजनाओं को भी क्रियान्वित करने का उचित समय है। दोस्तों किसी धार्मिक स्थल पर भी आपका समय इसमें व्यतीत होने वाले हैं। दोस्तों बुजुर्गों का साथ आशीर्वाद व फिर स्नेह आपको प्राप्त होगा। दोस्तों कुल मिलाकर जो दिन है जो समय होंगे आपके लिए अत्युत्तम समय रहने वाले हैं। परंतु दोस्तों यश में कीमत को पहचाने ये आपके लिए बेहतर होंगे। आलस को अपने ऊपर हावी न होने दें। कोई मित्र जो है स्वार्थ की भावना से आपके ऊपर संबंध खराब कर सकता है, इसलिए दोस्तों यश में आपको क्या करना है किसी पर भी विश्वास इसमें नहीं करना है। शायद दोस्तों यश में आपको बता दें कि बेकार की बातों में ध्यान न देते हुए अपने कामों को करते रहें, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि आपके आसपास की परिस्थिति उतनी सकारात्मक नहीं है जितना आपके ऊपर दिख रहा है। दोस्तों यश में परिवार संबंधी झगड़ों को सुलझाने की कोशिश ना करें, क्योंकि दोस्तों आपके लिए जो है नई समस्या भी यश में खड़ी हो सकती है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि दोस्तों यश में नए व्यवसाय के अनुबंध आपको विकसित होंगे। और दोस्तों किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए जो समय होगा जो दिन होगा आपके लिए उत्तम दिन होगा, उत्तम समय होगा। परंतु दोस्तों जो है वर्कर्स की गतिविधियों को नजरअंदाज इसमें ना करें। नौकरी पेशा व्यक्तियों के उच्च अधिकारियों के साथ भी संबंध जो है इसमें मधुर रहने वाले हैं, लाभदायक रहने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि कार्य विस्तार संबंधी योजनाओं में कुछ हल्की फुल्की परेशानियाँ भी आने वाली है, लेकिन दोस्तों समय रहते समाधान भी अवश्य मिल जाएगा। सहयोगियों तथा स्टाफ का पूर्ण सहयोग बना रहेगा। ऑफिस में भी सहकर्मी ही आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र भी रच सकते हैं, तो दोस्तों इनसे यश में आपको सावधान रहने की जरूरत भी होने वाली है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में कामकाज को लेकर पूरी गंभीरता व फिर संजीदगी रखें। लापरवाही की वजह से कुछ नुकसान भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों कोई भी व्यवसायिक निवेश करने से पहले अच्छी तरह जाँच पड़ताल अवश्य करें। नौकरी में छोटी मोटी समस्याएं आएंगी, परंतु बॉस अथवा किसी वरिष्ठ अधिकारी का सहयोग मिलेगा जिनसे समस्या का समाधान भी इसमें मिलने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपको बता दें कि दूरदराज क्षेत्र से कुछ महत्वपूर्ण संपर्क भी स्थापित होंगे तथा अच्छे ऑर्डर भी इसमें प्राप्त होने की संभावना बन रही है। दोस्तों यश में आपको बता दें कि मार्केटिंग तथा मीडिया काम कर रहे लोगों के लिए समय बहुत ही अनुकूल होगा। नौकरी पेशा लोगों के ऑफिस का माहौल भी इसमें शांतिपूर्ण रहने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें अर्थात आपके पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों यश में परिवार तथा व्यवसाय के बीच उचित सामंजस्य बना रहेगा। प्रेम संबंधों में भी नई दिक्कतें यश में आने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। प्रेम संबंधों के उजागर होने की आशंका लग रही है। दोस्तों यश में इनकी वजह से दिक्कतें भी आ सकती है, तो दोस्तों इनसे सावधान रहें, इनसे दूर रहें, ये आपके लिए बेहतर रहने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे आपको बता दें परिवार के साथ कुछ खुशनुमा समय व्यतीत करना आपको संबंधों को और अधिक मजबूत बनाएगा, तो दोस्तों इनके लिए आप जरूर समय निकालें। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो दोस्तों आपको बता दें कि यश में स्वास्थ्य अंत में ठीक रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। वर्तमान नकारात्मक वातावरण की वजह से आपको सावधानी रखना भी आपके लिए और आपके स्वास्थ्य के लिए उचित होंगे। दोस्तों आपको बता दें इसके उपरांत आपके लिए स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे सर्दी का असर भी आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। दोस्तों ये जो समय है आप अपना इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उचित प्रयास करें, उचित आहार लें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए समय बेहतर रहने वाले हैं। शादी दोस्तों नसों में खिंचाव और दर्द की समस्या आपको रहने वाली है इन सभी की लापरवाही की वजह से, इसलिए दोस्तों यश में आप लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। व्यायाम अवश्य करें, गैस बनने वाली चीज़ों का त्याग करें, ये सभी चीज़ आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे, तो दोस्तों इन सभी का ध्यान जरूर रखें। दोस्तों यश में आपको कौन से महत्वपूर्ण उपायों को करना चाहिए? दोस्तों आपको बता दें अगर आपके व्यापार या फिर नौकरी में मंदी आई है तो दोस्तों किसी साफ शीशी में सरसों का तेल भरकर उस शीशी को किसी तालाब या फिर बहती नदी में जो है जल में डाल दें और ईश्वर से अपनी सफलता के लिए प्रार्थना करें। दोस्तों आपके व्यापार या फिर नौकरी में जान आ जाएंगी और आपके सारे रुके हुए कार्य बनेंगे।
यदि मार्ग में कोई सफाई कर्मचारी सफाई करता दिखाई दे तो दोस्तों उन्हें स्नेह से चाय पानी के लिए कुछ दान अवश्य दें। इससे दोस्तों परिवार में प्रेम और सुख समृद्धि भी बढ़ती है। यदि सफाई कर्मचारी महिला हो तो दोस्तों बहुत ही उत्तम होते हैं। तो दोस्तों इन दोनों ही उपायों को यश में आप कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और भाग्यशाली रहने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों हमारे ऐसे ही अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। धन्यवाद।